Hello everybody. So today's topic is Hobbs palsy, or also known as Hobbs paralysis. So it is the most IMP applied anatomy for brachial plexus, also first year MBBS. So for that we are going to start with what is the Hobbs point. So Hobbs palsy occur due to injury in the Hobbs point. So first we have to understand what is Hobbs point. So in the brachial plexus we have learned everything about the cords and roots and trunks. So if you have not seen that video, go to the channel and see that. So first, for the Hobbs point, the first two roots, which are C5 and C6, combine and form a trunk known as upper trunk. So this is the upper trunk, and from the upper trunk there is the formation of two divisions known as anterior division and the posterior division. And from the upper trunk there are two nerves which are arising. Jo pehli hai wo hai nerve 2 subclavius, and the second nerve is suprascapular nerve. So ye do nerve ka origin hota hai. So over here you can see it forms a point, and jo ye point banta hai usi ko bola jata hai Hobbs point. So ye point kaise form hua? ये पॉइंट फॉर्म होता है सिक्स ब्रांचेस को मिला के, कौन कौन सी? C5 एंड C6 रूट. उन दोनों से जो ट्रंक बनता है अपर ट्रंक, उनमें से निकलती वाली दो ब्रांचेस, दो नर्व्स, फर्स्ट इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व, सेकंड इज द नर्व टू सबक्लेविस, और उसके दो डिविजन एंटीरियर डिविजन एंड द पोस्टीरियर डिविजन. सो वी कैन से दैट दिस इज द पॉइंट वेयर सिक्स ब्रांचेस मीट ऑफ ब्रैकल प्लेक्सस. तो यहाँ पर ब्रैकल प्लेक्सस की छह ब्रांचेस जो है वो मिलती है और वो Hobbs पॉइंट का फॉर्मेशन करती है. तो दिस इज द Hobbs पॉइंट. नाउ ये Hobbs पाल्सी कब होती है? जब ये Hobbs पॉइंट के अंदर कोई डैमेज होता है, कोई इंजरी होती है, तब ये Hobbs पाल्सी होती है. Hobbs पाल्सी के लिए जो Hobbs पॉइंट का डैमेज होता है वो कैसे डैमेज होता है? तो उसके मेन थ्री रीजंस हैं. फर्स्ट इज फॉल ऑन द शोल्डर. जब हम शोल्डर के ऊपर गिरते हैं तब ये Hobbs पाल्सी देखने को मिलती है. सेकंड इज द बर्थ इंजरी. जब किसी का भी बर्थ होता है तब अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बर्थ इंजरी. एंड ड्यूरिंग द एनेस्थीशिया, जब एनेस्थीशिया दिया जाता है तब भी ये पाल्सी हो सकती है. सो फॉल ऑन शोल्डर विच इज द मेन कॉज. यू कैन सी इन द डायग्राम दैट द पर्सन इज फॉलिंग ऑन हिज शोल्डर. हियर इज द ब्रैकियल प्लेक्सस. सो इफ वी फॉल ऑन द शोल्डर, ब्रैकियल प्लेक्सस मे बी डैमेज्ड. द Hobbs पॉइंट इज इन द ब्रैकियल प्लेक्सस, सो इट ऑल्सो कैन बी डैमेज्ड. नाउ वॉट आर द अफेक्टेड मसल्स फॉर द ड्यू टू Hobbs पाल्सी? तो वहाँ यहाँ पर टू मेन मसल्स देख सकते हैं. मेनली जो मसल्स डैमेज होते हैं वो है डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियल एंड द ब्रेकियो रेडियालिस. ये मसल्स हैं जो मेनली डैमेज होते हैं. पार्शियल डैमेज होने वाले मसल्स विच आर सुपाइनेटर, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस. तो ये तीन जो है वो पार्शियली डैमेज होते हैं. सो मेनली डैमेज होने वाले मसल्स डेल्टॉइड मसल. डेल्टॉइड मसल के नर्व सप्लाई एक्सिलरी नर्व, रूट वैल्यू है C5 एंड C6. नाउ द ब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियल, दोनों की नर्व सप्लाई जो है वो होती है हमारी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व. नाउ द मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जो है उसकी रूट वैल्यू है वो है C5, C6 एंड C7. नाउ द ब्रेकियो रेडियालिस. नाउ जो ये ब्रेकियो रेडियालिस है उसकी नर्व सप्लाई जो है रेडियल नर्व, और वो जो है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व से सप्लाई होता है, और सारे के सारे रूट वैल्यूज ब्रेकियो रेडियलिस को सप्लाई करते हैं. नाउ पार्शियली, तो पार्शियली ये तीन मसल, सुपाइनेटर, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस. सुपाइनेटर मसल ऑल्सो सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व. नाउ सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस बोथ द मसल्स आर सप्लाइड बाय द सुप्रास्कैपुलर नर्व. नाउ द सुप्रास्कैपुलर नर्व द रूट वैल्यू एज वी हैव सीन हियर सुप्रास्कैपुलर नर्व, तो C5 और C6 इसकी रूट वैल्यू है. तो हमने जो भी मसल्स जो मेनली डैमेज होते हैं या पार्शियल डैमेज होते हैं उनकी जो सप्लाई है उनका रूट वैल्यू में कहीं ना कहीं हमें C5 एंड C6 देखने को मिलता है. सो वी कैन से दैट कि Hobbs पाल्सी C5 और C6 मेन टू रूट जो है उनको डैमेज करती है. सो अगर आपको ये रूट वैल्यू और नर्व कौन कौन से किसको मसल को सप्लाई करती है देखना है तो हमने पहले उसके ऊपर वीडियो बना लिया है. सो ये मसल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनली कौन से मसल अफेक्टेड होते हैं, पार्शियली कौन से मसल अफेक्टेड होते हैं. नाउ अगर मसल अफेक्ट हो रहे हैं तो उन मसल के अफेक्ट की वजह से कोई ना कोई मूवमेंट जो है वो भी अफेक्टेड हो रही होगी, तो उसके बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट अफेक्टेड मूवमेंट हम आर्म में देखते हैं. तो आर्म जो है वो एबडक्शन नहीं कर सकता और लेटरल रोटेशन नहीं कर सकता. दैट मीन्स कि आर्म की पोजीशन कौन सी होगी? आर्म हमेशा एडक्टेड मोड में होगा और मीडियली रोटेटेड होगा. फोर आर्म की बात करें तो फोर आर्म जो है वहां पर फ्लेक्शन और सुपाइनेशन नहीं हो सकता. अब फ्लेक्शन और सुपाइनेशन नहीं हो सकता तो उसका मतलब है कि फोर आर्म हमेशा जो है वो एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड पोजीशन में रहेगा. तो हम देख सकते हैं कि जिसको भी Hobbs पैरालिसिस होता है
उसके हैंड के अंदर कुछ इस टाइप की हमें पोजीशन देखने को मिलती है, जहां पर जो ये आर्म है, आर्म वो ऑलवेज एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड होता है, और जो फोर आर्म का पोर्शन है ओवर हियर जो हमेशा प्रोनेटेड एंड एक्सटेंडेड मोड में रहता है। सो इस टाइप की जो भी पोजीशन बोलते हैं हैंड की, उसको बोला जाता है पोलिसमैन्स हैंड टिप, और पोलिसमैन टिप हैंड, पोर्टर्स टिप हैंड, और वेटर्स टिप हैंड। सो हमारा अगला पॉइंट वही है कि ऑल्सो नोन एज, तो ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज द पोलिसमैन टिप हैंड, वेटर्स टिप हैंड एंड पोर्टर्स टिप हैंड। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो टिप लेने की पोजीशन होती है वो कुछ इसी टाइप की होती है, और ड्यू टू ऑब्स्पाल्सी हैंड की पोजीशन ऐसी हो जाती है। नाउ इसकी ट्रीटमेंट, तो फर्स्ट लेवल फर्स्ट एमबीबीएस में इतनी ट्रीटमेंट्स को ध्यान नहीं दिया जाता, बट इफ वाइवा कम्स तो हम दो ट्रीटमेंट याद रखते हैं। फर्स्ट इज द नर्व ट्रांसफर, जो भी नर्व डैमेज होती है वो। सेकंड इज द लेटिसमस डोर्सी, मसल का जो टेंडन है उसका ट्रांसफर किया जाता है। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ यू नो इट्स गुड। सो हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें किन किन पॉइंट्स में पढ़ना है, उसके अप पॉइंट कौन सा है वो पढ़ना है, उसके कोजेज मेनली हमको बताना पड़ेगा, फॉलो एंड शोल्डर, उसके मसल सारे याद रखने, उनके साथ साथ उनकी रूट वैल्यूज, उनकी नर्व सप्लेस भी याद रखनी है, और ये जो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी मूवमेंट्स अफेक्ट होती है। साथ में ये भी हो सकता है कि शायद डेल्टॉइड जो उसका लोअर पार्ट की सेंसेशन भी लॉस्ट हो जाए, शोल्डर जॉइंट या फिर नी जॉइंट के जर्क हो सकते हैं, ये पोजीशंस भी आपको मूवमेंट अफेक्टेड में लिख सकते हो। देन ऑल्सो नोन एज, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इट इज नोन एज पोलिसमैन स्टिप हैंड, वेटर स्टिप हैंड और पोर्टर स्टिप हैंड, उनके दो ट्रीटमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफ पैरालिसिस। थैंक यू।